जान कैसे और पिया लागा तुमसे मुरजिया। आप क्यों आए हैं यहाँ? तुम्हें देख लिया। मुझसे ऐसी बातें ना करें, जाइए वैसे। इतनी दूर मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। मुझे बेचैनी थी कि तुम मुझसे बदगुमान हो, तुम्हारी गलतफहमी दूर करने आया। मुझे आपके बारे में कोई गलतफहमी नहीं है, मेरे सारे अंदाजे बिल्कुल दुरुस्त हैं। आपको ना ही किसी की इज्जत से कोई परवाह है और ना ही कोई ताल्लुक। कितना बुरा भला कहा तुम्हारे घर वालों ने, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मैं उन्हें सजा देना चाहता था। वो होते कौन है मेरी मोहब्बत को सताने के, उस पर रोब जमाने वाले? और वो तुम्हारा दो टके का नाम लिहाज शोहर, उसे तो देख कर ही मेरा खून खौलता है। वो तुम्हारे करीब तो दूर की बात है, तुम्हें नजर भर कर देख भी लेना ये मेरी बर्दाश्त से बाहर। वो शोहर है मेरा, आप हम दोनों के बीच नहीं आ सकते। दूर रहो से, तुम्हें मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना होगा। तुम नहीं जानते मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे। आप भूल रहे हैं कि आप जीनिया जी के शोहर हैं और आपको मुझसे इस किस्म की बातें करना जेब नहीं देता। कुछ नहीं जानता, मुझे बस ये पता है कि मुझे तुम्हें अपनाना है, कैसे भी किसी भी तरह तुम्हें मेरी बनना होगा। आप चले जाइए यहाँ से, अगर नानी आ जाएंगी तो मैं उन्हें क्या कहूंगी? खुदा के चले जाइए। मैं नहीं डरता किसी से, लेकिन मैं तो डरती हूँ। खुदा के लिए चले जाइए यहाँ से, ऐसा कुछ ना करें कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना हूँ। तुम प्लीज रोना मत, तुम्हारे आंसू देख के बहुत तकलीफ होती है मुझे। तो फिर जाइए। ऐसी शहर में फिर आऊंगा, बहुत सारी बातें करूंगा तुमसे। हाफिज। मुझे कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं सुनना। सब्जी को तो जैसे आग लग गई, आलू तो सोने के भाव हो गए और टमाटर को तो हाथ ही नहीं लगा सकते। बानो बेटा जरा देखो दरवाजे पे कौन है। रहने दे नानी, कोई नहीं है। अरे ये तुम्हें आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या? इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है, दरवाजा तोड़ देगा, जाओ जाके देखो। नानी कोई नहीं है ना, छोड़ दे। तुम भी ना, बहुत ही काम चोर हो गए, लगता है सलमा तुम्हारे बहुत ज्यादा लाड़। नानी मेरा कोई पूछे तो कह दीजिएगा कि मैं लाहौर गई हूँ मामू के पास। अरे तुम्हारा किसने पूछना है, हद करती हो। हाँ बुशरा, कैसे आना हुआ? Thank you.
के चुपके से कोई मीठा सा दर्द सहा, आँखों आँखों ही में अपने दिल की बात कहो, हल्की हल्की बारिशों में कतरा कतरा साथ रहो। जाने कैसे और पिया लागा तुमसे मुरझिया, मन मेरा लिया काहे काहे रोग मन का दिया। हाँ मानो, इस वक्त कॉल क्यों कर रही है? तो फिर किस वक्त कॉल करूँ? नहीं, तुम स्टोर पे होते हो, बात नहीं कर सकते, रात को सो रहे होते हो, तो डिस्टर्ब करती हूँ। मुझे तंग नहीं करो ना। मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ सुभान? तुम इतना कैसे बदल सकते हो, मुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हो? मैं घर आना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से लेकर जाओ। अभी नहीं, कुछ दिन ठहर जाओ। लेकिन क्यों? क्योंकि अभी किसी का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, ना मामा का, ना जीनिया का, ना उसके शौहर का। तो क्या हम सारी जिंदगी उन्हीं के इशारों पर चलते रहेंगे? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता है। तो फिर मैं किससे पूछूं? मुझे नहीं पता ना। अभी जाओ तुम, सो जाओ, मुझे भी सोना है। मैं नहीं सो सकती, मुझे नींद नहीं आ रही, डर जाती हूँ मैं। मुझे तुम्हारे पास आना है जुबान, तुम्हारी पनाह में रहना। अगर जीनिया और ताजदार भाई का गुस्सा कल ना हुआ तो क्या मानो कभी नहीं आएगी? बानो, क्या बात है, हर वक्त तुम बाबरची खाने में घुसी रहती हो। नानी चाय बना रही थी। अरे बेटे, चाय बनाने में इतनी देर लगती है क्या? बस बन गई है, अभी लाती हूँ। क्या बात है बेटा, तुम इतनी चुप चुप क्यों रहती हो? देखो, अगर सुभान याद आ रहा है तो उसे कहो कि वो तुम्हें आके ले जाए। नहीं नानी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप अंदर जाके बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। बानो, क्या हुआ है ये? वो नानी, दरवाजा मत खोलिएगा। क्यों? नानी कोई भी आ सकता ना, दरवाजा मत खोलिएगा। अरे किसने आना है हमारे यहाँ? तुम भी उठाओ, मैं जाके देखती हूँ कौन आया है। नानी ऐ कौसर, इतनी जल्दी आ गई तुम, पूरा सामान भी लेकर आई हो कि नहीं? आर्यन के पगार दे ही छट जा बाबा। कुल से आर्यन के पगार दे कर जा, ख्याल रखे जा। हेलो ताजदार, कहाँ हैं आप? मैं कब से आपको कॉल्स कर रही हूँ, रिसीव क्यों नहीं कर रहे? बिजी हूँ। क्या बिजी हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं? मैं कितना बोर हो रही हूँ घर पे, आप घर क्यों नहीं आते? बोर क्यों होती हो, अम्मा से बातें करो ना। अब आंटी से क्या बातें करूँ मैं, आप प्लीज जल्दी से घर आ जाए। खुदा हाफिज। ताजदार, मैं आंटी से क्या बातें करूं, मैं कोई आंटी से बातें करने घर आई हूं? शादी इनसी की और बातें आंटी से करूं, पागल समझ कर रखा है मुझे। आप बड़ी सरकार के बारे में ऐसी बातें ना करें।
अब तुम मुझे सिखाओगी मुझे किससे किस तरह बात करनी है? तुम बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है ना मैंने तुम्हें, सर चढ़ गई हो तुम सबकी सब। फिक्र मत करो मुझे, तुम एक एक का इलाज करने आता है। बेगम साहिब, क्या बात है, क्या हुआ है, परेशान हो तुम? मैं भला क्यों परेशान होंगी? यही तो मैं पूछ रही हूँ बेटा कि क्या परेशानी। बानो, मुझे यूं लगता है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। गलत फहमी है आपकी बेटा। कराची जाना चाहती हूँ तुम? जी। वो यहाँ रहते हुए बहुत दिन भी हो गए हैं ना, अब मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। ठीक है ना, बेटियाँ अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, तो परेशानी की कौन सी बात है। सुभान को फोन करो, वो आके तुम्हें ले जाएगा। नानी, असल में ना मैं जिद करके आई। अब अगर सुभान को बुलाऊंगी तो पता नहीं क्या सोचेगा। नहीं बेटा, कुछ भी नहीं सोचेगा। तुम उसको फोन करो, वो तुम्हें आके ले जाएगा। कामखा परेशान हो रही हो। टीपू, अब बंद कर दो इस मोबाइल को, देर हो रही है वैसे ही। सुनता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम आ गए हो इतनी जल्दी? ये वक्त शॉप बंद करने का तो नहीं है? वो तबीयत नहीं सही, दुकान जल्दी बंद कर दी आज। अच्छा खैर, मैंने दाल बना दी है, रोटियां तुम तंदूर से ले आना। मैं और टीपू जा रहे हैं जीनिया की तरफ, हमें देर हो जाएगी। ठीक है, चलो रखो इसको, चलो। आप फिर क्यों आ गए हैं यहाँ? चले जाइए, मेरी नानी भी घर पे है। अगर आप नहीं गए तो मैं उन्हें बुला लूंगी। आप क्यों जहमत करती हैं? आपकी नानी से मिलना सलाम करना तो मेरा फर्ज बनता है। देखिए, चले जाइए, ऐसा कुछ ना कीजिए कि मैं उनके सामने नजरें ना उठा सकूं। तुम्हारी इज्जत नहीं है कुर्बान, तुम्हारा हुक्म सर हुक्म। बानो, किससे बात कर रही हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन? मेरा नाम ताजदार। ये जीनिया जी के शौहर हैं। अरे अच्छा अच्छा, तो फिर तो हमारे दामाद हुए ना। आओ बेटा, आओ आओ, अंदर आओ ना। शुक्रिया। आओ बेटा।
यहाँ आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लूँगी। मैं चाय लेके आती हूँ। आप कह रही थी कि आपकी नानी चाय खाना सब बहुत उम्दा बनाती है, आज चाय आपके हाथ की हो गई। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लेकर आती। मैं इतनी दूर से तुमसे मिलने आया और तुम किचन में जाने लगी, ये जुल्म नहीं? सुन तो ये है कि आपने मुझे घर से बेघर कर दिया। मैं अपनी बूढ़ी नानी पर बोझ बन के रह गई। कुछ दिन तो तुम्हारी नानी को तुम्हें बर्दाश्त करना। लेकिन मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे घर वापस जाना। नहीं, तुमने वहां नहीं जाना। ये ख्याल कि तुम सोबान के साथ हो, सोचकर ही मेरे जिस्म पर कांटे उगाते हैं और उसकी चुभन से मैं किस अज़ियत से दोचार होता हूँ तुम नहीं समझ सकते। यहाँ से निकलने के बाद अगर तुम कहीं जाओगी तो वो सोबान का नहीं मेरा घर। वो शख्स तुम्हारे काबिल नहीं है। ये फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? सोबान मेरा शौहर है, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ उससे। कितनी मासूम हो तुम, कितनी बोल्ड। तुम्हें किससे मोहब्बत करनी है इसका फैसला मैं करूं। मर्तबा भेजा था भागभरी को तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर, मैं चाहती थी आज हम लोग लंच साथ ही करें। क्या बात है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? क्या होना मेरी तबीयत को? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ये हुलिया क्या बना है? किसके लिए सजूं, किसके लिए सबरूं? मेरी कमरे की खाली दीवारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा समझ गई, तुम ताजदार की वजह से परेशान हो ना। देखो बेटा, समझने की कोशिश करो, वो जागीरदार है, मिले हैं उसकी फैक्ट्रियां हैं, मिलना मिलाना होता है, 100 बखेड़े होते हैं ना। तो वो सुबह 8 बजे जाकर 5 बजे घर वापस नहीं आ सकता। ताना दे रही हैं आप मुझे? आप मुझे जताने की कोशिश कर रही हैं कि मैं किसी ऑफिस में जाने वाले तनख्वाहदार शख्स की बेटी हूँ और आप जमींदार जागीरदार लोग हैं? आप लोगों का लाइफस्टाइल मैं नहीं समझ सकती? नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा बेटा, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम यहाँ सर पर खड़ी क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। अब तो अगर तुम मुझे यहाँ नजर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ। ज़ीनिया बेटा, हमारे घर में मुलाजमीन से इस तरह गुफ्तगू नहीं की जाती, हम इन्हें अपने घर का फर्ज समझते हैं। बस रहने दो, इस घर में क्या होता है क्या नहीं वो सब कुछ खुल चुका है मुझ पे। ब्याह कर लाए हैं आप लोग, भाग कर नहीं आई थी मैं, फिर भी आप लोग मेरे साथ इस तरह का सलूक करते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया बेटा? अब भी कोई कसर बाकी है? इस घर में काम करने वालों की ज्यादा इज्जत है पर मेरी इज्जत नहीं है। ये तो मम्मा जान से किस लेजे में बात कर रही है? आ गया ताजदार, ये मेरा और ज़ीनिया का मामला है, तुम इसमें दखल मत दो। कैसे दखल ना दूं मैं, ये आपकी इज्जत का भी मामला है। जी जी,
मेरी तो कोई इज्जत नहीं है, मैं तो आपकी कुछ नहीं लगती। ताजदार अपने कमरे में जाओ, मैं नहीं चाहती कि घर में कोई हंगामा हो। बेटा अब वो आ गया है ना, तो अब गुस्सा थूक दो, जाओ से आराम से बात करो, जाओ। शाबाश शाबाश मेरा बेटा। हेलो। सलाम अलैकुम मम्मा। वालेकुम सलाम। जीता रहे मेरा बच्चा, कैसा है? आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। हर सजदे में तेरे लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुझे शाद व आबाद रखे, गर्म हवा भी ना लगे मेरे बच्चे को। अम्मा मुझे जॉब मिल गई है। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है बेटा। बहू को भी सुनाई ये खुशखबरी? नहीं माँ, सबसे पहले आपको इतला दे रहा हूँ। बस अब बहू को भी फौरन फोन कर और अच्छा सा घर लेकर उसे अपने पास बुला ले। जी ठीक है। अम्मा बानो कैसी है, उससे तो बात करवाएं। बानो कौसर के साथ जरा बाजार गई है, मैंने ही भेजा है। अरे मौसम बदल रहा है और उसके पास एक भी गर्म कपड़ा नहीं है, आएगी तो बात करवाऊंगी। ठीक है अम्मा। अम्मा मैं आपको जल्द कुछ पैसे भेजूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, जीते रहो। तो अब क्या सा रवैया कैसा है उसका तुम्हारे साथ? एक दोस्त जैसा। देखो तुमने बीमारी में उसका बहुत ख्याल रखा है, जबकि आबिद ने पलट के पूछा तक। आबिद के बारे में उसकी राय तब्दील हो चुकी होनी चाहिए। मैंने एक दो बार उससे आबिद के बारे में बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो गोलमोल कर देती है। आबिद शहर में नहीं है, शहर छोड़ के जा चुका है। यहाँ पे होता तो मैं अपना काम निकलवा लेता, लेकिन तुम अपना काम जारी रखो। समझ रहा हूँ। गुड टू सी यू भाई। शुक्र है तुम भी बाहर निकली। देखो हम तुम्हारी बातें कर रहे थे। अब कब आए पापा, मुझे पता ही नहीं चला। भाई आपको कैसे पता चलेगा मैं कब आया कब चला गया, आप तो हर वक्त अपने कमरे में कैद रहती हैं। आई थिंक तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, यू शुड ट्राई एंड कम आउट ऑफ इट, नॉर्मल लाइफ की तरफ आना चाहिए। नहीं नहीं अंकल, अभी नहीं, अभी आप देखें कितनी वीक हो गई है, वो उसे रेस्ट की जरूरत है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत जल्द मैं उसको नॉर्मल लाइफ की तरफ ले आऊंगा। तुम कितना ख्याल रखते हो शहला का ना। इस बात में तो वाकई कोई शक नहीं है पापा के, कैफ वाकई मेरा बहुत ख्याल रखता है। हाँ लेकिन तुम्हें भी तो ख्याल रखना चाहिए इसका। तुम बदले में क्या कर रही हो? दिन भर वो घर में पड़ा रहता है बेचारा, उसे कहीं लेकर ही नहीं जाती हो। बेचारा कुछ दिनों के लिए आया था और तुम्हारी वजह से यहीं का होके रह गया। आई एम सो सॉरी कैफ, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम वापस जाओ अपने बिजनेस संभालो, मेरे पास पापा है ना। नहीं शैला ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जब तक तुम मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो जाती मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाओ ना, रुक क्यों गई? सुभान, आंटी मुझे डांटेंगी और तुमसे भी नाराज होंगी। तुम अजीब हो ना, पहले फोन कर करके परेशान कर रही थी, अब ले आए हो तो मामा की नाराजगी का एहसास हो रहा है। भानो चाहती क्या होता? सुभान, जब आंटी तुमसे पूछेंगी तो तुम उन्हें कह दोगे ना कि तुम मुझे लेके आए हो, मैंने तुम्हें नहीं कहा था लाने के लिए। मैं क्यों?
तुम सही हो यार, तुम चाहती हो कि सारे मुझे बुरा भला कहें और तुम बच जाओ। सुबान, मैं बीवी हूँ तुम्हारी। जानता हूँ, तभी तो लाया हूँ। चलो देखा जाएगा जो होगा। तुम यहाँ, तुम मेरी इजाजत के बगैर कैसे आई हो? बोलते क्यों नहीं हो? वो मैं इसे लाया। मेरी इजाजत के बगैर कैसे ला सकते हो? मामा बानो बीवी है मेरी, ज्यादा अरसे ऐसे मैके में नहीं छोड़ सकते। मैं आपको भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। चुप करो चालाक लड़की। इस बेअकल को तो तुम अपनी उंगलियों के इशारों पर नचा सकती हो, ये तुम्हारी बातों के जाल में फंस सकता है, मैं हरगिज भी नहीं, समझे तुम? जी आंटी। घर बहुत गंदा हो रहा है ना, तुम ऊपर चलो, मैं सफाई करके आती हूँ। ठीक है। सुबान, ये बैग तो ले जाओ और सुनो, ये चादर भी। सुखा, ताजदार की चाय उसके कमरे में भेज देना। जरूरत नहीं है, मैं यहीं पी लूंगा। वो जीनिया का है, उसको बुलाओ ना। सो रही है। सो रही है इस वक्त? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? ऐसे लोग दूसरों को बीमार करते हैं, खुद बीमार नहीं होते। किस तरह से बात कर रहे हो तुम? मैं देख रही हूँ तुम्हारा रवैया उसके साथ ठीक नहीं है। दुल्हन है वो नई, उसके कोई अरमान होंगे, तुम समझते ही नहीं ये बात। उसको बस यही अरमान है कि उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी हो जो उसके नाम, बहुत सारा पैसा हो और वो बेदरेश हो। बहुत खुश है आज क्योंकि उसे वादा किया मैंने कि उसकी पसंद का बंगला बनवा के दूंगा मैं, जो उसके नाम पर होगा। कभी कभी सोचता हूँ लारा बेहतर थी इससे। नाम मत लेना उसका मेरे सामने। खैर छोड़े, हम चाय पिए, कोई और बात करते हैं। मैं फोन देना। हेलो, कैसी हैं मामा आप? हाँ एक्चुअली मैं आपके घर आने का सोच रही थी। अभी शॉपिंग पे जाऊंगी, फिर वहां से होते हुए आपके पास आ जाऊंगी। बेटा अगर तुम्हारा मूड खुशगवार है तो उसे खुशगवार ही रहने दो, यहाँ के तो बिला वजह टेंशन ही होगी तुम्हें। क्या मतलब, ऐसा क्यों कहा आपने? सुबान बानो को जाके खुद ही ले आया है और उसने मुझे ये बात बताना गवारा भी नहीं की। हो तो ये मामला है, अब वो आ गई है तो फिर मजा भी खुद चख लेगी। क्या मतलब? मतलब मैं आपको आकर समझाऊंगी। आंटी को बता देना मैं अपने मायके जा रही हूँ। क्या हुआ तुम्हें, ये चोट कैसे लगी? कुछ पूछ रहा हूं मैं। बीबी सरकार ने मारा इसे। सरकार? जीनिया ने? क्यों? बहुत गुस्सा करती है सरकार, बहुत डर लगता है हम उनसे। अम्मा जान से शिकायत की तुमने? बड़ी सरकार वही मौजूद थी, मना किया था उन्होंने, वो उनसे भी खफा हो गई। अम्मा जान से भी बदजुबानी, पहले क्यों नहीं बताया मुझे तुम लोगों ने?
हम मुलाजिम हैं सरकार, नमकखवार हैं। जब तुम्हें घर से निकाल दिया था तो तुम वापस आई क्यों हो? मुझे जुबान लेकर आए। जुबान को बीच में मत लाओ, मत नाम लो उसका। सीनिया जी, ये मेरा घर है, मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? इसमें ऐसा क्या कसूर कर दिया मैंने? तुम्हें मुझसे और ताजदार से हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। तुमने सुबान को बेवकूफ बना के रखा हुआ अपने पीछे, तुम्हारे इश्क में फंसा हुआ है वो। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? घर पे अम्मा जान के साथ तमाशा करके तुम यहां अदालत लगाए बैठी हो, तुम्हें अम्मा जान से माफी मांगनी होगी। क्यों, ऐसा क्या किया है मैंने? तुम अच्छी तरह जानती हो क्या किया तुमने। ताजदार, आप सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं इस रवैये की आदी नहीं। तुम सिर्फ दूसरों को बेइज्जत करने की आदी हो। बेटा ताजदार, तुम क्या हो गया इस तरह झगड़ रहे हो? अभी तो आए हो, बैठो, मैं चाय बनवाती हूँ। मैं यहाँ बैठने या चाय पीने नहीं आया, बेटी को समझा ले आप। अगर बड़े घर की बहू बन गए तो वहाँ के आदाब भी सीख ले। अगली बार ये गुस्ताखी माफ नहीं करूंगा मैं। हाँ हाँ बेटा, ऐसा ही होगा, इधर से गलती नहीं होगी, तुम बैठो तो सही। भाई जीनिया, चाय बनाओ, दामाद इतने दिनों के बाद आए हैं, भाई मेरा जाओ अपने हाथों से चाय बना के लाओ। मैंने सबसे कह दिया, तुम्हें कोई तंग नहीं कर। ये घर मेरा अपना है और इस घर के लोग भी। किसी और को इस घर के मामलात के अंदर मुदाखलत की इजाजत नहीं। काश के ये घर वाकई तुम्हारा होता और यहाँ के रहने वाले तुम्हें भी घर के फर्द का दर्जा देते तो मैं कभी तुम्हारे लिए इतना परेशान ना होता। आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, अगर की होती तो मेरी हालत समझ सकती और बात ना की। मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत सिर्फ मेरे शोहर के लिए है। मैं उन औरतों में से हूँ जिनके लिए निकाह के बोल बहुत ही मुकद्दस होते हैं और ये बंधन मेरे जीते जी नहीं टूट सकते। मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। तो फिर चले जाइए यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि मैं आपसे यहाँ से जाने के लिए ऊंची आवाज में कहूँ। बानो, समझने की कोशिश कर, ये जिंदगी जो तुम गुजार रहे हो ये क्या जिंदगी है? ये घर, ये लोग तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम खिदमत करने और हुक्म सुनने के लिए नहीं, हुक्म देने के लिए पैदा, नाज उठवाने के लिए पैदा। एक बार हाँ कर,
मैं दुनिया भर की नेमत तुम्हारे कदमों में लाके ठहर सारी उम्र तुम्हें चाहूंगा, तुम्हें मोहब्बत दूंगा, मान दूंगा, बस एक बार मेरे बारे में सोचो तो सही। मैं आपको बता नहीं सकती कि आपकी बातें मुझे कितनी अजियत पहुंचा रही हैं। चले जाइए यहाँ से, मैं शादी के अटूट बंधन जो मेरे जीते जी तो नहीं टूट सकते। आप जाएं यहाँ से, मैं आपको अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहती। जा रहा हूँ, लेकिन इस यकीन के साथ कि मेरी मोहब्बत तुम्हें मेरे बारे में सोचने पे मजबूर जरूर कैसे उर पिया लागा तुमसे मुझे।